जबलपुर के पूर्व सांसद एवं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह ने जौनपुर के आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज को लेकर भाजपा को लपेटे में ले लिया। आपको बता दें कि खेतसराय इलाके के आसमा कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे थे बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जौनपुर की आबादी के हिसाब से यहां दो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले 6 सालों से जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, मगर अब तक नहीं बन सका। अगर मेडिकल कॉलेज के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए भी 100-200 करोड़ का आवंटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को इस पर काम चक कराना चाहिए। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज पर तंज कसते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस पर काम नहीं हुआ तो यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में खंडहर में तब्दील हो जाएगा।